चार बजे फ्री हुई मैं, और फिर रात को एक बजे एक और मेकअप था, वो यहीं था पास में पंता हटी, थ्री मेकअप इन वन डे। स्ट्रेस क्यों लेता तू? था भी नहीं मेरे साथ। मैं कहाँ था? मम्मा की डेथ नहीं हुई थी उस टाइम। हाँ तो स्ट्रेस क्यों लेना है? चिल हो के और आऊँ मुझे चिल हो के, मेरे को भी होता है जब हम टैटू करता हूँ। होता है ना, पोटी आती है ना बार। मौसम देख कितना अच्छा हो रखा है, साफ सुथरा। मैं आ रही हूँ के इंस्टाग्राम पे आप फोटोज वगैरह अपलोड कर सकते हो, सो दैट आपकी मेमोरीज रहें। ठीक है, मैं वहीं आती हूँ, तुम कर लेना ब्रेकफास्ट, तुम्हें भूख लगी होगी। मैं तो आज फास्टिंग पे हूँ। फास्टिंग तो इसको करनी पड़ेगी ना आज, टेंशन जो होती है इसको, हमेशा टेंशन नहीं है, एंग्जाइटी। ऐसा लगता है कैसा होगा ये, मेरे साथ भी होता है जिस टाइम मेरे पास कोई टैटू होता है ना, बस बौखलाया होता हूँ मैं उस टाइम पे, अच्छा ऐसे होगा वैसे होगा, बट फिर स्लोली स्लोली ना वो फेड ऑफ होनी शुरू हो जाती है, जैसे आप काम करना शुरू करते हो उस टाइम पर फिर सेट हो जाता काम। आज तो हमने गुड मॉर्निंग भी नहीं बोला, हाय गाइज वेरी गुड मॉर्निंग। होता है ना अगले दिन अगर आपका कोई इवेंट होता है या कोई मीटिंग होती है, कोई काम के सिलसिले में अगर आपको कहीं पे भी जाना है, ट्रेवल करना है या कुछ भी है ना, उस टाइम पे तो भाई एंग्जाइटी ऐसी होती है ना, रात को नहीं आती नींद, फिर ऐसा होता है यार टाइम कितना हो गया। मैं भी कल रात को कुछ 3 या 4 बार उठाऊँ, उठ के मैंने टाइम देखा, पहले 1:30 बज रहा था, फिर 2:30 बज रहा था, फिर 3:30 बज रहा, हर एक एक घंटे बाद मेरी आँख खुल रही थी। और इसको किटी मैडम को उठा रहा था तो उस टाइम पे ऐसे कर रही थी, हाँ हाँ मैं उठी भी हूँ, बस 10 मिनट, बस 15 मिनट, बस 10 मिनट। उठी भी थी फालतू में, मैं अपने आप को वो दे रही थी कि नहीं लेट चले। हाँ चलो, हमारे मित्र हैं मिस्टर अंकुश, उनकी शादी है यूको बैंक में, भाई साहब जी जॉब करते हैं, बहुत अच्छा नेचर है उनका, उनकी लाड़ी को तैयार करने जा रहे हैं, शादी तो हो गई है, रिसेप्शन आज, मिलते हैं आपको वहीं जाकर, मैं जरा किट्टी का मूड ठीक कर लूँ। एक तो ये नहीं चल रहा ना, मेरा फ्यूज़ उड़ गया वॉइस का, अब ये नहीं समझ में आ रहा कि ये अभी लगवाऊँ या बाद में लगाऊँ, अभी तो समय नहीं है। कितने आवर्स की फास्टिंग? 36। बस इसने अभी इसने रील देखी है एक, नहीं मम्मी का साथ। अरे मेरे को लग रहा है 36 आवर्स की फास्टिंग करेगी, पर उसके बाद मैं क्या हमेशा तो करती हूँ 24 घंटे की, हर हफ्ते में एक दिन करती नहीं हूँ, यही रीजन है इसका, कल सुबह खाऊंगी मैं सीधे वेट लॉस का। और बहुत से हमारे मित्र ये आगे बोलते हैं मेरे को कि भाई यार कमाल है आपने तो बहुत ज़्यादा वेट लॉस कर दिया, भाई आप तो बहुत पतले हो गए, बहुत श्रेडिड हो गए। भाई मैं नहीं करता फास्टिंग, मैं भूखा रह ही नहीं सकता, फास्टिंग अच्छी होती है, मैं नहीं रह सकता ना भूखा यार, चक्कर तो ये है भूखा रह के कुछ नहीं मिलता, नहीं मिलता है ना, मेरे हिसाब से मतलब पतले होने के लिए नहीं करते, बस अगर आपको अपने आपको क्लेंस करना है तो फास्टिंग करो, दिमाग भी शांत होता है, पर तुम मुझे शांत रहने दोगे तब ना। चलो फिर अच्छा ठीक है, मिलते हैं फिर आपको, मैं जरा पहुँच जाऊँ जहाँ मैंने पहुँचना है, कभी जाएंगे तो पता चलेगा, कभी गए ही नहीं। बहुत बड़ा होटल है, उसके बाद वो तो बिकॉज ऑलरेडी कवर्ड होते हैं बस लगा। ये आ रही है मोनिका।
लो जी फाइनली संजौली पहुंच गए हैं, मगर यहाँ पे ना ठंड बहुत लग रही है। आज का जो हमारा बहुत ही प्रोडक्टिव डे था दैट कम्स टू एन एंड, और अभी के लिए मैं जा रहा हूँ गाड़ी लेने, थोड़ा टाइम बचाते हैं। एक हेयर कट हो रहा है बस, उसके बाद फ्री हैं हम लोग, घर जाएंगे। आज तो भाई सुबह से कुछ भी नहीं खाया हुआ, ना ब्रेकफास्ट किया हुआ है ना लंच किया हुआ है, अब सीधा जाके डिनर ही होगा। हालत ख़राब हो गई है, मज़ा आ गया मगर आज बहुत अच्छे अच्छे लोगों से मुलाकात हुई हमारी, बहुत अच्छे अच्छे सज्जन से। पहुँचता हूँ मैं ज़रा, पहले गाड़ी लेकर आता हूँ फिर मिलता हूँ। ठंड है यहाँ पे बहुत ज़्यादा, पर्टिकुलरली इस एरिया में तो बहुत ठंड है, क्योंकि ये ना जाखू का वो एरिया जहाँ पे धूप बहुत कम लगती है, इसलिए यहाँ पे ऐसी ठंड होती है कि इस टाइम निकलना ना हालत ख़राब करने वाला काम हो जाता है। बैग निकाल दो ना सारा, ले चलो भारी, मेरे को पकड़ा दो, मैं पकड़ लेता हूँ। लटक लटक के चलना है, अब हालत ऐसी हो रखी है इस टाइम, शायद आपको हमारी शक्ल ना दिख रही हो, दिखाने लायक नहीं इस टाइम। हाँ आवाज से ही पहचान, जूतों के लेसेस खुले हुए हैं, बंद करने की हिम्मत नहीं हो रही मेरी। मैं कर दूँ ना? अंकल ने लगाई है, ताकि कोई मरे ना नीचे। उनके पास भी यही है।